तो आज हम आए थे जे ऑटो करोलवा। जे ऑटो करोलवा कौन सी गाड़ी दिखा रहे हो? स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल आया था। DRL 7500 रुपए। किसी भाई को अगर हेडलाइट चाहिए होता है टॉप मॉडल बेस्ट टू टॉप प्राइस बता रहा हूँ आपको, जो कि 14000 रुपए का आता है। बॉडी पेंट बेस्ट टू टॉप के साथ 13000 रुपए की प्राइसिंग। देखो ये देखो, ये भी अपना स्कैनिंग मोड मिल जाता है। ये भी अपना स्कैनिंग मोड देखो, ऑटो कट फंक्शन के साथ चालू, प्लस इसमें आपको पानी का आपको असर भी देखने को मिलेगा आपको। तो दिलीप भाई अंदर लेके चले, पर ये क्या छुपा रहे हो? पानी रहा हमने लगाया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पहले जो इसमें अपना ए लग के आता है, जो हमारे स्कॉर्पियो जो अपना बाइलर एस मॉडल सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है डोर पैनल। बेस्ट टू टॉप की अगर प्राइसिंग की बात करें तो डोर पैनल की मैक्सिमम आपको 18000 रुपए बजट लेके चलना। 18000 में लगा के 18000 में डोर पैनल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कंट्रोल्स भी ऐड कर दिया और फिर ये यू वाला भी अपना पियानो ब्लैक कर दिया। भाई अंदर हमने डायमंड 2 के इंस्टॉल करा, डायमंड 2 के इसमें एंड्रॉइड लगा। ये वाला फ्रेम आता है S11 के अंदर, तो वही वाला हमने सेम फ्रेम इंस्टॉल करा है। मतलब अंदर से भैया ने कहीं नहीं छोड़ा, AC क्रोम तक लगा रखा है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जे ऑटो करोलबाग। जे ऑटो करोलबाग ठीक है। आज कौन सी गाड़ी दिखा रहे हो? स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल आया था ठीक है। फुल्ली कंप्लीट अपना S11 में अपना क्या हुआ है ठीक है। एस मॉडल थी, पेंट भी करके दिया। पेंट भी है बिल्कुल, सेम डे में पेंट के साथ हुआ है ठीक है। फ्रंट से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस करा है। बिल्कुल, फ्रंट की बात करें जो भी इसमें लगा था, सबसे पहले एक बॉडी पेंट जो उसमें ठीक है, बॉडी पेंट करके वाला पार्ट हो गया और साइड की जितने पार्ट हो गया, बिल्कुल जो मैट वाला पार्ट आता है ठीक है, तो बिल्कुल ये पार्ट जो होता है पेंटेड पार्ट होता है। जो हमारे पास पीस स्टॉक में होता है हम एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है। हम ऑलरेडी पेंट करके रखते हैं, जब आप आते हो तो आपका मैट वाला लेके आपको पेंटेड वाला लगा देते हैं। भाई को अगर अपना पीस पेंट करवाना आता है एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है ठीक है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक पेंट होके आता जाता है, तो इसलिए हमारे पास 2-3 गाड़ी का स्टॉक होता है, हम एक्सचेंज करते रहते हैं ठीक है। जो कस्टमर का सेम डे में काम हो जाता है। तो फ्रंट से और क्या करा हुआ है? सबसे पहले बॉडी पेंट कम्प्लीट है विद स्किट के साथ है, देख पा रहे होंगे इसमें ठीक है, जो कि ये भी अपना मैट ब्लैक आता है और क्लासिक एस्लर में ये वाला सिल्वर पार्ट होता है और ये वाला पूरी अपना ब्लैक पार्ट होता है ग्लोसी ठीक है। सारे पेंटेड पीस हुआ है। उसके बाद इसमें महिंद्रा जेन्युइन इसमें फॉग लाइट लगा है, उसके बाद इसमें DRL भी लगा हुआ देख पा रहे पे ठीक है, जो कि महिंद्रा की ओरिजिनल पार्ट है ठीक है। बाकी अगर लाइट की बात करें तो स्टॉक अपना बीम के अंदर इसमें अपना अपना LED का सेटअप डाला हुआ है। LED सेटअप नीचे भी है और हेडलैम्प्स में भी है, जो कि अपना टॉप मॉडल की हेडलाइट हो गया या बेस मॉडल की हेडलाइट हो गया, जो कि उसकी लाइट अपना हैलोजन ही होता है स्टॉक में। LED आपको अलग से अपग्रेड करना पड़ता है। तो फॉग लाइट इसमें LED डाला गया 110 वाट की, और हेडलाइटों की बात करें तो दोनों बीम में इसमें लाइट डाला गया हुआ इसमें ठीक है। 220 वाट। एक बार से फॉग लाइट जलाते हैं, तो ये फॉग लाइट का थ्रू है, एक बार हेडलैम्प जलाना। ये लो बीम या हाई बीम? बिल्कुल ठीक है। तो कितने वॉट की है टोटल? ऊपर 220 वाट ऊपर की ठीक है बिल्कुल। तो फ्रंट से यही सारा करा है और ग्रिल स्लॉट लगा है। उसके बाद इसमें स्टॉक ग्रिल के अंदर है महिंद्रा की जर्मन, इसमें क्रोम के स्लॉट डाला जाता है जो कि महिंद्रा ओरिजिनल होता है। एक इसमें आफ्टर मार्केट भी होता है जो कि पेस्टिंग वाला पीस होता है ठीक है, ये लॉक वाली पीस है। तो विद प्राइसिंग चलेंगे इस वीडियो को। बिल्कुल, प्राइसिंग की बात करें तो इसमें फॉग लाइट की बात करें तो अपना 1800 रुपए की ठीक है। DRL 7500 रुपए की लेके चलना होगा। किसी भाई को अगर हेडलाइट चाहिए होता है टॉप मॉडल बेस्ट टू टॉप प्राइस बता रहा हूँ आपको, जो कि 14000 रुपए का आता है हेडलाइट। किसी भाई को सिंगल हेडलाइट चाहिए 16500 रुपए की है ठीक है। बॉडी पेंट बेस्ट टू टॉप के साथ 13000 रुपए की प्राइसिंग है। किसी भाई को सिर्फ बॉडी पेंट करवाना तो 17000 रुपए रेट लेके चलना होगा आपको ठीक है। तो सारी कॉस्टिंग हमने बता दी। बिल्कुल, ग्रिल की क्रोम की बात करें तो 1600 रुपए की प्राइसिंग है महिंद्रा ओरिजिनल की, और अपना मार्केट क्रोम चिपकाने वाला लेते उसकी 600 रुपए की प्राइसिंग है ठीक है। तो विद कॉस्टिंग चलेंगे फुल वीडियो आज स्कॉर्पियो की। तो साइड से दिलीप भाई क्या क्या कर दिया? साइड प्रोफाइल की बात करें तो स्टॉक टायर के अंदर अभी अलॉय डाला हुआ है। S11 वाला है। प्राइस की बात पूछो मत, जो इसमें मतलब क्या रेट इस समय जो चल रहा है बहुत हाई चल रहा है। अभी जो रेट चल रहा है मैक्सिमम 30,000, 32,000, 35,000 कोई रेट नहीं है। कल को 40,000 भी हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। कल को 30,000 भी हो जाएगा ठीक है, रेट कोई इसकी फिक्स नहीं चल रहा। एक टाइम तक 20,000, 22,000 रेट चल रहा था और आज इसके रेट 30,000 से 32,000, 35,000 रेट चल रहा है। तो यूज्ड वाले में अभी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है तो ज्यादा प्राइस भी नहीं पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल बहुत ही निकल पा रहा है और टॉप मॉडल बिल्कुल कम आ रहा है, इस वजह से रिम निकल नहीं पा रहा। इस वजह से अपना जो भी रिम निकल रहा है उसका अपना डिमांड ज्यादा इसकी प्राइसिंग। तो इसके अलावा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, इस प्राइस रेंज में आपको नया मिल जाएगा। 25,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है आफ्टर मार्केट, जो 17 इंच की जो होता है उसमें आपको न्यू पीस मिल जाएगा। न्यू पीस होता है ये, बल्कि न्यू पीस नहीं होता, 2-4 दिन बल्कि ये ये मतलब 50 या 100 किलोमीटर तक चले हुए वाले होते हैं। देखो बाइक किस्मत, कभी 10 किलोमीटर मिल जाए, कहीं 100 किलोमीटर मिल जाए, कई बार क्या होता है 500 किलोमीटर चला हुआ मिल जाता है ठीक है। साइड से और क्या करा हुआ? बाकी सारा इसमें पेंटेड के पीस मैं दिखाई रखा हूँ, जो कि अपना सिल्वर अपना टचिंग के साथ स्कॉर्पियो ब्रांडिंग के साथ देख पा रहा हूँ, ये भी अपना सिल्वर टचिंग पेंट होकर मिला हुआ है ठीक है। और साइड क्लैडिंग भी हमने पूरी पेंट कर रखी है एकदम S11 वाली फिनिश में, जो कि 13,000 में आपको फ्रंट से लेकर सारा क्लैडिंग पीछे तक की सारा कंप्लीट होता है ठीक है। तो अपने फुटरेस्ट भी लगा रखा है एक, इसमें फुटरेस्ट जो कि महिंद्रा जर्मन है
ठीक है। बाकी मिरर की बात करें तो देख पा रहे होंगे S11 क्लासिक के अंदर विदाउट इंडिकेटर वाले मिरर आते हैं। S11 में हमने जो लगाया इसमें विद इंडिकेटर वाले लगाया है, ठीक है। और ये वेंट भी सिल्वर का रहा हुआ है। हाँ, ये भी अपना 13,000 कम्प्लीट में कॉम्बो में आता है अपना सिल्वर पार्ट, ठीक है। तो अपना डोर वाइजर वगैरह भी इंस्टॉल्ड है, बिल्कुल। क्रोम लाइनिंग इसमें, डोर वाइजर हो गया। और रूफ रेल की बात करें तो महिंद्रा की इसमें जेन्युइन इसमें रूफ रेल डाला हुआ है, ठीक है। बोल्ट फिटमेंट वाली, बिल्कुल। अपने पास जब भी आता रूफ रेल इसको लगाने तो अपने पास महिंद्रा ओरिजिनल ही मिलेगा, फेस्टिंग वाला पीस नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कस्टमर इधर उधर भागा में कहीं फंस जाता है, रूफ रेल हो गया या अपना स्पॉलर हो गया, तो आफ्टर मार्केट उनको लगा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं भैया होल करोगे पानी चला जाएगा, ये होगा होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको कहता है कहीं भी काम करवा रहे हो कहीं भी लगवाओ तो महिंद्रा ओरिजिनल लगवाओ, होल करवा के लगवाओ, ठीक है। जो साइड लुक आ रही है वो देख सकते हो, बिल्कुल कुछ इस टाइप की है। तो अब बैक से दिखाते हैं, बैक से क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो उसमें सारा ही काम हुआ, एक्स्ट्रा भी इसमें हुआ जो कि एक रियर गार्निश है, ठीक है। जो इस कलर में नहीं आता, जो बिल्कुल लोगो वाला आता है ब्लैक पार्ट। तो इसमें पिलर लाइट्स भी लगी है, पिलर लाइट है, रिफ्लेक्टर है, S11 बैजिंग इसमें फ्री है, महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर है, ठीक है। ये जेन्युइन स्पॉइलर है, कोई क्लैंप वाला नहीं है, बिल्कुल। और विद पेंट कितने का देते हो? बिल्कुल पेंट, विद पेंट बेस टू टॉप के साथ 5,000 रुपये। किसी भाई को सिंगल सिर्फ स्पॉइलर चाहिए तो 6,500 रुपये, ठीक है। तो एक बार वर्किंग दिखाते हैं, पहले लाइट जलाते हैं इसकी, देखो ये देखो, ये भी अपना स्कैनिंग मोड मिल जाता है, ये भी अपना स्कैनिंग मोड है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ऐसे कुछ ऑन होती है, नीचे रिफ्लेक्टर भी जल चुका है। तीन मोड होता है, पार्किंग में अपना स्कैनिंग मोड होगा, ब्रेक पे अपना ये वाला पार्ट जलेगा बिल्कुल तेज हो जाएगा, और इंडिकेटर पे अपना रनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो तीन मोड मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। बाकी एक बार वाइपर चला के दिखाते, ये देखो ऑटो कट फंक्शन के साथ चालू, प्लस इसमें आपको पानी का आपको असर भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वाटर स्प्रेयर भी मिलेगा इसके साथ, बिल्कुल। और ऑटो कट के साथ है, जहाँ बंद होगा वहीं पे अपना, जहाँ पे अपना लास्ट ऑप्शन होगा वहीं पे जाकर रुकेगा। उसके बाद इसमें रियर गार्निश की बात करें तो एक इसमें रियर गार्निश लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, बट पिलर लाइट है, रियर गार्निश प्लस रिफ्लेक्टर लगने के बाद एक पीछे की लुक वाइज बहुत अच्छा निकल जाता है, ठीक है। इंडिकेटर जलाना एक बार, तो ये देखो, तो अभी ये फुल स्टॉक में गार्निश फुल, ठीक है। एक बार अंदर लेके चलते, तो दिलीप भाई अंदर लेके चले, पर ये क्या छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा हूँ, हमने लगाया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पहले जो इसमें अपना ए लग के आता है, ठीक है, ये वाला गत्ता लग के आता है, जो हमारे स्कोर पे जो अपना बॉयलर एस मॉडल सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है डोर पैनल, ठीक है, डोर लगा के दिए है, प्लस इसमें अपना वर्किंग के साथ, ठीक है। ये हमने डोर पैनल वर्किंग करा हुआ है इसके अंदर, जैसा S11 के अंदर आता है, पीछे से भी होगा वर्क, ये देख लो। प्लस इसमें चाइल्ड लॉक भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप, बिल्कुल बंद, ये हो गया अपना वर्किंग, ठीक है। तो आगे से चाइल्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये जो लाइट है जल रही है इसके अंदर, ये इसके साथ नहीं होता, ये आपका एम्बियन लाइट है जो कि इसमें K4 इसको कहा जाता है। बाकी इसके डोर पैनल के साथ अपना ये कुछ नहीं होता है, इसका अपना एडिशनल चार्ज होता है, ठीक है। और बेस्ट टू टॉप की अगर प्राइसिंग की बात करें तो डोर पैनल की मैक्सिमम आपको 18,000 रुपये बजट लेके चलना होगा, आपको 18,000 में लगा के 18,000 में डोर पैनल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। प्लस इसमें आपका एम्बिएंट लाइट लगवाते हो मैक्सिमम आपको 3500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है, बट जो ये लगा 5500 रुपये की रेंज है, जो कि इसमें K4 मल्टी कलर है, ठीक है। एक बार अंदर बैठ के दिखा देते हैं, तो एक बार अंदर दिखा देते हैं अंदर से क्या क्या करा हुआ है काम इसके अंदर। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले नीचे फ्लोरिंग हुआ, ठीक है, फ्लोरिंग करी हुई हमने 90 फ्लोरिंग, उसके ऊपर मैट 70 इंस्टॉल करे, 70 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद अपना इसका प्लेट देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइट वाली स्टील वाली जो, तो ये बिना लाइट वाली, अगर स्क्रैचेस व्रैचेस लग जाते हैं इधर तो पेंट प्रोटेक्ट करता है ये। उसके बाद इसमें एक साइड सपोर्ट सीट को देखने को मिलेगा, ठीक है। आज फुल ब्लैक है, फुल ब्लैक है, सिल्वर स्टिचिंग के साथ है। बाकी इसके फिटिंग बात करें देख पा रहा हूँ कहीं से भी आपको रिंकल्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा पैडिंग देते हैं इसके साथ, जैसे बहुत कस्टमर की सोचा था फॉर्म डालने से थाई सपोर्ट हो जाता, नहीं सोच है, बट थाई सपोर्ट सीट पर कंप्लीट बनता तब जाके थाई सपोर्ट होता है, ये वाला पार्ट निकाला जाता है थाई सपोर्ट के लिए, प्रॉपर इसकी पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है। तो सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हो आप, बैक सीट्स भी एक बार देख सकते हो, ये कुछ क्वालिटी मिलने वाली है बैक सीट्स की भी। तो एक बार अंदर बैठ के दिखाते हैं, आ चुके हैं अंदर की फ्रंट साइड में, और फ्रंट साइड से बस एक चीज की कमी छोड़ दी भैया ने, मीटर, बाकी ऑलमोस्ट सारे लोडेड गाड़ी है, भैया ने पूरा लोडेड काम करा रखा है स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। भाई ने पहले मीटर भी अपना सोच रहे थे लगवाने के लिए, बट क्या हुआ था भैया, ब्लू लाइटिंग की वजह से कि अपने गियर शिफ्टिंग की वजह से पैसे अपना थोड़ा अपना बचा लिया, सोच के रहने दो मेरे लिए अपना, ठीक है। लेकिन भैया ने कहीं नहीं छोड़ा कि S11 बनानी है। पहले स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग भी बिल्कुल S11 वाले स्टिचिंग में कर दिया, उसके बाद ये कंट्रोल्स भी ऐड कर दिया, और फिर ये यू वाला भी अपना पियानो ब्लैक कर दिया, मतलब स्टेयरिंग तो कंप्लीट है S11। मतलब स्टेयरिंग को अगर देखा जाए तो पूरी अपने S11 वाली आपका स्टेयरिंग अपने हाथ में फिल करेगा, मतलब ठीक है। उसके बाद मीटर रह गया, मीटर अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, मीटर भी बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी एक इसमें वाइपर लगा जिसकी अपना कैलिपर अपना, ठीक है, यहाँ से होता है कैलिपर, बिल्कुल। ये देखो वाइपर पीछे चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है, ये रहा वाइपर। और ऑटो कट फंक्शन के साथ है, ऑफ करा और रुक गया,
और इसके अलावा दिलीप भाई अंदर हमने डायमंड 2 के इंस्टॉल करा है। डायमंड 2 के इसमें एंड्रॉइड लगा, 4GB रैम, 64GB इंटरनल, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा आपको रिवर्स कैमरा भी, बाकी टच रिस्पॉन्स आप देख ही सकते हो इसका टच रिस्पॉन्स। और एक बार बैक कैमरे की स्पेस दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये कुछ क्वालिटी मिलने वाली है रिवर्स कैमरे की हमें। और इसके अलावा आपको ये नॉब मिल जाता है, वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहीं से आप सारे वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हो। ये देखो सारा वॉल्यूम आ जाएगा इधर, और यहाँ से आगे फ्रंट बैक वगैरह कर सकते हो आप सारी चीजें। उसके बाद इसमें S11 की जो प्रॉपर है उतना फ्रेम और इसमें कंसोल, ठीक है ये वाला फ्रेम आता है S11 के अंदर, तो वही वाला हमने सेम फ्रेम इंस्टॉल करा है, मतलब अंदर से भैया ने कहीं नहीं छोड़ा, एसी क्रोम तक लगा रखा है, वो भी 5 पीस का सेटअप, देखो ये वाला पार्ट इसमें, ठीक है। वैसे 3 लगाते हैं सब, 1-2 सिंगल में आता है, ये वाला अपना ब्लैक ही रह जाता है, ठीक है ये वाला ब्लैक रह जाता है, भैया ने पूरे 5 पीस वाला करवा रखा है, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है अपने पास, ठीक है। मिरर एडजस्टिंग का भी भैया स्विच वगैरह देखो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप, यहाँ से राइट लेफ्ट वगैरह। और स्कॉर्पियो के अंदर फोल्डिंग नहीं आता, सिर्फ एडजस्टिंग आता, एडजस्टिंग आता और स्टिक की जगह में यहाँ पे पायनियर के कंपोनेंट लगाया है, ठीक है। ट्विटर के प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, वो प्रॉपर। तो फ्रंट में हमने पायनियर के कंपोनेंट इंस्टॉल करा है, जिसका ट्विटर देखो यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे डंडी आती थी मिरर सेट करने की, बिल्कुल डंडी आता, प्लस इसमें अपना पायनियर कंपोनेंट है, पीछे अपना सारे 600 वाट के ओवल है, एक इसमें एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगा आपको, जो कि ऐप से कलर आपको वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्विच भी एक्स्ट्रा लगा रखा है, ये देखो ये स्विच से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। और इधर इतनी लाइट का राज ये है, देखो अपनी 150 वाट नहीं 100 वाट आज 100 वाट वाला है, सनग्लास होल्डर चाहिए था, ठीक है। एक बार लाइट्स बंद करना, ये देखो लाइट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, यहाँ बटन देते हैं, तो इसमें सिंगल कलर रखना चाहो सिंगल भी रख सकते हो, और मल्टी कलर रखना है तो मल्टी कलर भी आप रख सकते हो, तो ये ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यही सारा काम करा था हमने, सारा काम है, एक इसमें आर्मरेस्ट तो रह गया, देख पा रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट में दोनों के पास आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे अपना वो पावर विंडो आता था, उसके बाद इसमें जो नॉर्मल अपना की आते हैं तो उसको फ्लिप की में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये वाला फ्लिप की देख सकते हो, जो S11 में आता है सेम वो वाली की हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी हुई है, ये देख सकते हो, ठीक है। एक बार निकाल के दिखाते हैं, तो ये S11 की होती है, ये वाली हमने इंस्टॉल करी हुई है इसके अंदर, बाकी यही सारा काम करा है इसके अंदर, ऐसा था डमी पीस होता, ठीक है। ऐसा आता था और ऐसा बना दिया, सेंटर लॉक लगा जाता तो इससे अपना लॉक अनलॉक भी कर सकते हो, बट चाबी बनने के बाद पूरी चीज अपने घर पे रख दो, ठीक है। इस टॉप मॉडल की चाबी हाथ में लेके घूमो, तो इससे देखो लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी, बिल्कुल, ठीक है। एक बार कस्टमर का भी रिव्यू ले लेते हैं, बिल्कुल। सो फाइनली कंप्लीट हो गई अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस, तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं सबसे पहले, किशोर मकवाना, ठीक है। कहाँ से ट्रेवल करके आए? इंदौर से। इंदौर से, तो दीपक सिंह मकवाना, देन राजपूत, इंदौर से, ठीक है। कैसे पता लगा आपको जय ऑटो के? यूट्यूब पर, ठीक है। जैसा वीडियोस में दिखाते हैं वैसे ही काम मिला? बिल्कुल, उससे भी अच्छा काम मिला। किसी चीज की कुछ कमी लगी हो? किसी भी चीज की कमी नहीं रही, टोटली सेटिस्फाइड। हाँ, अगर इंदौर की साइड से जो भी वीडियो देख रहा है रेकमेंड करोगे जय ऑटो को? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो जैसा वीडियोस में हमने दिखाया था जेन्युइन पार्ट सारे हमारे पास मिल जाते हैं स्कॉर्पियो के लिए, तो आपके सारे प्रोडक्ट जेन्युइन यूज करें? हाँ, महिंद्रा के जेन्युइन यूज करें, ठीक है। एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 पूरे ही देंगे हम तो। कोई चीज का आपको कमी तो नहीं लगा? नहीं नहीं, जैसे कि फॉग लाइट लगा, डीआरएल लगा, रूफ लगा, स्पॉइलर लगा, सारा महिंद्रा ओरिजिनल लगा, ओरिजिनल लगा मैं, पावर विंडो ओरिजिनल लगे। सबसे पहले अलॉय की वजह से भैया रुके हैं, अलॉय की इसमें इतना रिक्वायरमेंट है, अलॉय तो मतलब अलॉय मिल नहीं पा रहे बिल्कुल, जैसे कह रहे भैया। हाँ भैया, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, भैया मैंने अरेंज करके अलॉय लगवाया है, भैया का सारा काम हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से मतलब सारा काम बिल्कुल सेट है? हाँ। दिलीप भाई, टोटल जो पेमेंट करी है क्या पेमेंट करी हुई है? टोटल जो इनका पेमेंट हुआ ऑलमोस्ट बिद अलॉय ऑलमोस्ट जो भी इसमें सारा काम हुआ है 2,16,000 रुपये इसमें काम हुआ, ठीक है। सारी चीज आपका डिस्काउंट हो गया? सारी चीज़ डिस्काउंट करके फ्रंट से लेके साइड से लेके पीछे तक अलॉय अंदर ऑल ओवर इंटीरियर जितने भी उन्होंने सारी चीज़ें विद पावर विंडो थर्ड से आमलेट टोटल सिस्टम के साथ 2,16,000 उन्होंने पे किए थे, ठीक है। आपको डिस्काउंट मिला? आपको मिला, बिल्कुल मिला डिस्काउंट। तो छोटी सी चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, मेन होता काम, काम काम तो बहुत, काम तो बहुत अच्छा करा है। इतने दूर से ट्रेवल करके आके भी हर काम को एक संतुष्टि ना मिल पाया? 900 किलोमीटर से आया हूँ, बट आप यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं? बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं। मतलब कोई भी भाई वीडियो देख पा रहे हैं आपके तरफ से, जो भी मतलब कहीं से भी आना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे हम आने का, ठीक है। तो दिलीप भाई मेनली आना का पड़ेगा अगर ऐसा काम? मेनली आना पड़ेगा आपको दिल्ली करोलबाग जैटो अब्दुल अजीज रोड पे, ठीक है। एक बार कॉल करना जरूर, एक बार क्या होता है ज़्यादा भीड़ भाड़ होता रह सकता है,
मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा होगा वीडियो के नीचे, इंक्वायरी ले ले जरूर, लोकेशन भी ले सकते हैं और किसी को प्राइस किसी चीज़ का जानना है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हर वीडियो के अंदर प्राइसिंग बताया जाता है, हर एक चीज़ की फॉर आइडिया सबकी प्राइसिंग बताया जाता है, बट आपको उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा था, एक बार कॉल करके अगर जानना चाहते हो तो बिल्कुल जान सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।